हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू इम्प्रूव वोकैबलरी। वोकैबलरी का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपको नॉलेज हो वर्ड्स की, इसका मतलब है करेक्ट प्रोनंसिएशन। आपको प्रोनंसिएशन यानी वो शब्द कैसे बोला जाता है पता होना चाहिए। नंबर टू, करेक्ट स्पेलिंग, उस वर्ड्स के करेक्ट स्पेलिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए जब भी आप उसे लिख रहे हैं। सो यू मस्ट लर्न द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड। नंबर थ्री इज़ करेक्ट मीनिंग, आपको उसका मीनिंग ज़रूर पता होना चाहिए, उसके लिए आपको डिक्शनरी रेफ़र करनी है अच्छी सी। नंबर फोर, करेक्ट यूसेज, अब मीनिंग तो पता चल गया पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसे यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, यू मस्ट प्रैक्टिस अलॉट, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है लिखने की, बोलने की। लर्न एंड प्लीज 10 न्यू वर्ड्स डेली, इसके लिए अपना एक टारगेट बनाइए कि आपने डेली 10 न्यू वर्ड्स लर्न करने ही करने हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। नंबर वन, राइट एनी थ्री वर्ड्स विच एंड विद TOM, इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। नंबर टू, राइट अ वर्ड दैट एंड्स विद ING, कोई एक्शन वर्ड नहीं लिखना है, जैसे राइटिंग एक एक्शन वर्ड है वो नहीं लिखना है आपने। देन विद राइट गाइडेंस, पॉजिटिव अप्रोच एंड डेली प्रैक्टिस, यू विल सर्टनली बी सक्सेसफुल, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़।